नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, मध्य प्रदेश में एक और नई भर्ती निकली है तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगी, कितनी सैलरी मिलेगी और आवेदन ऑफलाइन होंगे ऑनलाइन, तो सभी जानकारी आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। दोस्तों मेरे हिसाब से तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना चाहिए और अगर आप इससे आईसेट के जिले से बिलोंग करते हैं, इसी जिले से बिलोंग करते हैं तो इसमें ज़रूर आवेदन करिएगा क्योंकि आवेदन बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें आपको एक भी रुपये पैसे नहीं देना। और ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी अपडेट नोटिफिकेशन, जॉब की नोटिफिकेशन, योजना की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लेना। और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप भी लिंक दी गई, वहाँ से आप डाउनलोड ज्वाइन कर सकते हो। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में यहाँ पर भर्ती निकली है जिला अनूपपुर में। अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत ग्रेजुएशन टेक्नीशियन डिप्लोमा आईटीआई अप्रेंटिस के लिए आवेदन वर्ष 2023 हेतु मध्य प्रदेश राज्य के शासकीय मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेज एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से निम्नलिखित शाखाओं व्यवसायों में एक वर्ष अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र में निर्धारित किए जा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों तीन प्रकार की जॉब हैं, ग्रेजुएशन के लिए है, डिप्लोमा के लिए और आईटीआई के लिए। आपने जो भी किया है वो यहाँ पर आप समझ लीजिए, ठीक है। पोस्ट सभी में एक ही है पर इसमें कुछ अलग अलग है। पहले बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन की, तो मैकेनिकल इंजीनियर की यहाँ पर टोटल 6 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एक पोस्ट है और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की टोटल एक पोस्ट है। कुल मिलाकर टोटल 8 पोस्ट हैं ग्रेजुएशन के लिए। डिप्लोमा के लिए बात करते हैं तो दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियर की एक पोस्ट है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 2 पोस्ट है, टोटल 3 पोस्ट है डिप्लोमा के लिए। चलिए बात कर लेते हैं आईटीआई के लिए, तो फीटर में यहाँ पर आपको 8 पोस्ट देखने को मिलेगी, टर्नल में आपको 3 पोस्ट देखने को मिलेगी, बेल्डर में आपको 3 पोस्ट देखने को मिलेगी, मोटर मैकेनिकल में भी आपको 3 पोस्ट देखने को मिल रही है, इलेक्ट्रीशियन में भी आपको 10 पोस्ट देखने को मिल रही है दोस्तों, और कोपा में आपको 2 पोस्ट देखने को मिल रही है। टोटल मिला के यहाँ पर अगर आप आईटीआई करे किया कंप्लीट है आपका तो यहाँ पर आप 29 पोस्ट हैं दोस्तों, इसमें आप किसी भी पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से तो अप्रेंटिस में आपको अप्लाई करना ही चाहिए क्योंकि इसमें एक जो एक प्रकार का आपको जब आपका टारगेट पूरा हो जाता है, आपका एक वर्ष पूरा हो जाता है तो आपको एक जो प्रमाण पत्र दिया जाता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो बहुत ही काम का रहता है, ठीक है। आपको पता है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किस काम आता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर पता आपको ऑफलाइन आवेदन करना है, सबसे लास्ट में आपको आवेदन देखने को मिल रहा होगा, ये आवेदन आपको डाउनलोड कर लेना है या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको मैसेज कर देना, आपको डाल देंगे, ठीक है। ये आवेदन आपको ध्यान से भरना और इसे किस पते पर भेजना उसकी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप जैसे पोस्ट के नीचे जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं उक्त रिक्तियाँ केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी उम्मीदवार के लिए, आप मध्य प्रदेश के किसी भी राज्य, मध्य प्रदेश के किसी भी जिले से हों यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरकर इसको कार्यालय अधीक्षक अभियंता MPCA एवं प्रशिक्षण अमरकंटक ताप विद्युत ग्रह चचई जिला अनूपपुर में यहाँ पर भेज सकते हैं। आवेदन पत्र की लास्ट डेट है 15/9/2023, इसके पहले आपको आवेदन भेज देना है। शैक्षणिक योग्यता आपने ऊपर पढ़ के आ गए हैं दोस्तों, तो पात्रता के तक उम्मीदवार भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले बात कर लेते हैं कि आपको सैलरी कितनी दी जाएगी। सैलरी की बात कर लें तो आपको ये बिल्कुल निःशुल्क है दोस्तों, आवेदन का एक भी रुपया नहीं लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम सैलरी की दोस्तों अगर बात करें तो सैलरी में आपको जो एक वर्ष के लिए अगर आपने आईटीआई अगर आपने की है तो आपको 7,700 रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा। 2 वर्ष के अगर आपकी आईटीआई है तो आपको 8,050 रुपये दिए जाएंगे दोस्तों। टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस है आपके पास तो आपको 8,000 दिए जाएंगे, और ग्रेजुएशन से आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपको 9,000 रुपये दिए जाएंगे, और इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते का लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, बाकी सब जानकारी यहाँ पर आप अपने द्वारा बिल्कुल पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से तो अगर आप अनूपपुर जिले से रिलेटेड हैं या फिर आईसेट के जिले से रिलेट करते हैं तो आपको इसमें ज़रूर से ज़रूर आवेदन करना चाहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको आवेदन करना है और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आपको पूरी समस्या का निराकरण कर दिया जाएगा। तो मिलेंगे ऐसे ही नई अपडेट, नई जानकारी, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।